Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine, good and safe at your home. Unit number 13, Electrostatics, topic 13.4, Coulomb's law. First of all, the statement. Statement hume kya kehti hai? Statement mein kehte hain, between two charges, point charges. First we have to know ki point charge cheez kya hai. Yahan pe word use kiya hua point charge. Hamare paas point charge aisa charge hota hai jo rest pe hota hai. वैसे तो हमने पढ़ा है ना चार्जेस क्या कह रहे होते हैं, मूव कह रहे होते हैं. तो हमारे पास वो चार्ज जो रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं. अब जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी सर्टेन फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक उसका हम इंफ्लुएंस देख सकते हैं. तीसरा चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, कि हमारे पास सर्टेन एरिया जहाँ पे हम किसी भी चार्ज के इंफ्लुएंस देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास दो तरह की चार्ज, दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एक थी अट्रैक्शन और एक थी रिपेलिंग. कि अगर हमारे पास दो चार्ज डिफरेंट चार्जेस के साथ होंगे तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी. एंड आप सेकेंड डायग्राम पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, बोथ आर पॉजिटिव. क्यों वन एक चार्ज आ गया, क्यों सी दूसरा चार्ज आ गया, और दोनों क्या है, पॉजिटिव है. जब दोनों एक जैसे हैं तो मींस उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपेलियन होगी. फर्स्ट में क्या है, क्यू वन इज पॉजिटिव एंड क्यू टू इज नेगेटिव. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके दरमियान, दे आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस आर. एंड सेकेंड में हमारे पास क्या है, कि डिफरेंट सेम चार्जेस हैं तो हमारे पास उनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ रिपेलियन. अंडरस्टैंड. अब आ जाते हैं कूलम्ब का. अब देखिए बच्चों, कूलम्ब लॉ हमें क्या कहता है, कि हमारे पास कोई भी दो चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के. समझ आइए आपको. ये पॉइंट वन, पॉइंट वन कहता है कि हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी जो फोर्स होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिवीजन. आर मैंने पिछले डायग्राम में उसमें आपको बताया था कि क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे आर का हमने स्क्वायर ले लिया और वन डिवाइडेड बाय आर है. तो मींस दैट ये एफ के साथ फोर्स के साथ रिवर्स रिलेशन है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि फोर्स हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होती है विद द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. सेकेंड पॉइंट में इट इज टू द इनवर्स रिलेशन विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन. अच्छा, अब वो तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम. अब ये क्या है, देखिए बच्चों, हमने ये जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमारे पास हमें नहीं पता या हमें पता है कि इनके दरमियान कौन सा मीडियम है. मीडियम मीन्स कि ये दोनों हमने एक दूसरे के साथ तो नहीं ना रखने, वी हैव टू सेपरेट विद द डिस्टेंस आर, हमने एक डिस्टेंस देने में. तो हमारे पास जब हम इसे वैक्यूम में रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू और आएगी, जब हम इसे एयर में रखेंगे वैल्यू और आएगी, हम इसे डायइलेक्ट्रिक में रखेंगे तब वैल्यू और आएगी. अब डायइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चे, हमारे पास डायइलेक्ट्रिक ऐसी चीज होती है जिसमें से फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, विच इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है. अब हमने इस स्टेप में क्या किया कि ये दोनों उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो हम क्या करते होते हैं, कंबाइन करते हैं. सेम ही डेटा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है. अब कहीं भी इक्वेशन में हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, वहाँ पे इक्वल टू लाते होते हैं और वहाँ पे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ऐसे ही होता है ना, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले आएंगे जो कि k होगा. k को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है. क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर हम इसे कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है. अब ये देखें, f इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनैलिटी हट की k आ गया, तो 1 टू 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब साथ n का क्या मतलब है बच्चों, n का मतलब है n नंबर ऑफ पार्टिकल. कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे दो चार्जेस ले रहे हैं ना, तो हम दो से ज्यादा चार्जेस भी ले सकते हैं,
जब हम दो से ज्यादा चार्जेस लेंगे तो हमने यहाँ पे n लिख दिया, ठीक है। अगर हम n नहीं लिखते ना तो हम यहाँ पे Q3, Q4, Q4 और यहाँ पे क्या करते जाते हैं, R2 प्लस R2 जितने ज्यादा चार्जेस होते, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज गिवन बाय, अब हर कॉन्स्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट है उसकी क्या वैल्यू है, 1/4πε0, ठीक है। Phi की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 3.14, और एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे इसके दरमियान क्या ले रहे हैं बच्चों, हम जो मीडियम ले रहे हैं दैट इज एयर, ठीक है। एयर के लिए हम क्या लेते हैं, 8.84 × 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन अ फोर्थ ऑफ देन द फोर्थ इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमने क्या किया, k की वैल्यू डाल के इक्वेशन निकालते हैं, जब हम k की वैल्यू डाल के इक्वेशन राइट करेंगे तो इट विल गेट f इज इक्वल टू 1/4πε0 योर 1/2 r2 / n। अब लिमिटेशंस होते हैं, हर चीज की लिमिटेशंस होते हैं, तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हमारे पास ये जो कूलम्ब लॉ है ये सिर्फ वैलिड है, कौन से मटेरियल कहाँ पे वैलिड है, जहाँ पे हम पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज क्या है, मैंने आपको वेरी स्टार्ट में बताया था, शुरू में ही बता दिया था कि पॉइंट चार्ज हमारे पास वो चार्ज होता है जो रेस्ट पे रहता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है कि दे शुड बी स्टेशनरी डिग्री करे, कि वो एक दूसरे के साथ रेस्ट की कंडीशन में हो। फर्स्ट वन पॉइंट चार्ज जो मूव ना कर रहा हो, स्टेशनरी हो, और उसकी सर्टन फील्ड भी हो, ठीक है बच्चों, समझ आ गई।